हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे पोईशाक मच्छी का माथा देके घंटो। पहले हम मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाल दिए हैं, फिर मच्छी डाल देंगे। मच्छी अच्छा से फ्राई कर लेंगे, लाल करके मच्छी फ्राई कर लेंगे। मेरा लाल लाल करके मच्छी फ्राई हो गया। फिर हम उसको अच्छा से फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम कढ़ाई में पचफोरन डाल देंगे, एक तेजपत्ता डाल देंगे। फिर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अच्छा से फ्राई कर लेंगे। मेरा प्याज अच्छा से फ्राई हो जाएगा। फिर हम काट के रखे थे आलू, उसको डाल देंगे। अच्छा से फिर हम फ्राई करेंगे। मेरा आलू अच्छा से फ्राई हो गया। फिर हम उसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल के फिर हम उसको फ्राई करेंगे। फिर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम जितना सब्जी रखे थे उसमें डाल देंगे। अच्छा से सब सब्जी डाल दिए हैं। फिर हम फ्राई करेंगे फिर से। फिर से अच्छा से फ्राई कर लेंगे। फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर हम जीरा पाउडर डाल देंगे। फिर हम मिर्च पाउडर डाल देंगे। रेड चिली पाउडर। फिर हम उसको फ्राई करेंगे। अच्छा से फ्राई हो जाएगा मेरा मसाला। अच्छा से फ्राई हो गया है। फिर हम उसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन डालने के बाद पोईशाक डाल देंगे। फिर हम फ्राई करेंगे। मेरा ये फ्राई हो रहा है सब्जी, सब सब्जी फ्राई हो रहा है। अच्छा से फ्राई हो गया है। फिर हम उसमें मच्छी का माथा डाल देंगे। ऊपर से मच्छी का माथा डाल देंगे। फिर हम उस ढक देंगे प्लेट से। फिर देखेंगे, फिर ऊपर से पानी डालेंगे। फिर थोड़ा सा चला लेंगे। फिर ऊपर से हम कच्चा मिर्चा डाल देंगे। फिर गरम मसाला डाल देंगे। अच्छा से बॉईल हो रहा है अच्छा से। मेरा बन के तैयार हो गया है पोईशाक मच्छी का माथा देके घंटो। फिर हम ऊपर से चीनी डाल देंगे स्वाद के लिए। फिर मेरा बन के तैयार हो गया है मच्छी का माथा देके घंटो। प्लीज़ मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है गाइस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।